कोरोना महामारी में जब लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है तो संकट के इस दौर में एक दवा बड़ी राहत की उम्मीद बन सकती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने DRDO की दवा 2-Doxy-D ग्लूकोज को कोरोना के इलाज में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। दवा है कि 2DZ नाम से ही जाने जाने वाली ये दवा कोरोना के मरीजों के इलाज में काफी कारगर है। इसने 2-Doxy-D ग्लूकोज, जिसको 2DG भी कहा जाता है, उसका अभी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन लिया है COVID-19 पेशेंट्स में इस्तेमाल के लिए। ये ड्रग हमने इस पर काम करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में और पहला हमने प्रयोग किया था CCMB हैदराबाद की मदद से, जिसमें ये साबित हुआ था कि ये ड्रग, ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 वायरस को बहुत अच्छी तरह से गतिरोधक प्रदान करती है, इसकी गति रोक देती है। दरअसल DRDO के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में इस दवा का प्रयोग शुरू किया था, जिसमें पता चला कि ये दवा कोरोना वायरस को रोकने में मदद करती है, जिसके बाद DCGI ने मई 2020 दवा के फेज 2 ट्रायल को मंजूरी दी। दूसरे चरण में प्रयोग के नतीजे भी अच्छे रहे तो नवंबर 2020 में 220 मरीजों पर दवा के तीसरे चरण का परीक्षण किया गया। परीक्षण में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण बढ़ने से रोकने में मदद करती है। साथ ही दवा के ट्रायल में ये बातें भी पता चलती हैं कि इससे कोरोना मरीज के ऑक्सीजन लेवल में जबरदस्त सुधार होता है। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 42% से घटकर 31% हो गई। खास बात यह है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर भी दवा का अच्छा रिस्पॉन्स दिखता है। अप्रैल 2020 में COVID-19 महामारी की पहली लहर के दौरान जब इस दवा का टेस्ट किया गया तो पाया गया कि 2DG दवा लेने से मरीज दूसरे मरीजों की तुलना में 2.5 दिन पहले ठीक हो गए। मरीजों के लिए उपयोग में मंजूरी से पहले कई राज्यों में इस दवा का परीक्षण किया गया, जिसमें दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल थे। 2-Doxy-D ग्लूकोज दवा पाउडर की तरह होती है और इसे पानी में घोलकर मरीजों को दिया जाता है। 2-Doxy-D ग्लूकोज दवा के अप्रूवल के साथ सवाल इस दवा के प्रोडक्शन का भी है, जिसके जवाब में DRDO का कहना है कि इस दवा की बड़ी मात्रा में उत्पादन आसानी से की जा सकती है। मतलब ये कि उम्मीद की एक लौ जल उठी है। उम्मीद कीजिए कि ये लौ कोरोना नाम के इस अंधकार से देश को निकाले। उम्मीद कीजिए कि ये दवाई कोरोना महामारी पर भारी पड़ेगी। उम्मीद कीजिए कि जिंदगी बचाने के लिए ये दवा संजीवनी बन जाएगी। उम्मीद कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।